नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट। आज हम बात करने वाले हैं फिल्म क्रिटिक और एक्टर KRK यानी कमाल आर खान की, जो अगर कोई भी मुद्दा सामने आए और उस पर KRK का रिएक्शन सामने ना आए, भाई ऐसा तो हो नहीं सकता। इसीलिए एक बार फिर से कमाल आर खान सामने आ गए हैं और उन्होंने इस बार किया है फिल्म पृथ्वीराज का ट्रेलर डिकोड, जिसके अंदर मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार, मनुषी छिल्लर, संजय दत्त और सोनू सूद नजर आ रहे हैं। और इस ट्रेलर डिकोड में उन्होंने इस फिल्म को एक बहुत बड़ा डिजास्टर बता दिया है और ये बता दिया है कि ये बड़े बजट की बहुत ही बड़ी फ्लॉप फिल्म होने वाली है। और हाल ही में उन्होंने एक ट्वीट भी किया और उस ट्वीट में भी उन्होंने लिखा कि इस फिल्म में संजय दत्त जो है वो मोहम्मद गौरी का किरदार नहीं निभा रहे हैं, सोनू सूद भी अक्षय कुमार की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस हिसाब से उन्होंने अंदाजा लगाया है कि फिल्म में अक्षय कुमार के खिलाफ कोई भी दमदार विलन नहीं है, जिस वजह से ये फिल्म बुरी तरह से बड़े पर्दे पर फ्लॉप होने वाली है। आपको बता दें, इस फिल्म में उन्होंने अक्षय कुमार की एज का भी मजाक बनाया है। उन्होंने कहा कि पृथ्वीराज चौहान 26 साल के थे लेकिन अक्षय कुमार 60 साल के हैं, इसीलिए व्यूअर्स जो हैं उन्हें बड़े पर्दे पर हजम कर ही नहीं पाएंगे। वेल, अगर आपने भी KRK का ये ट्रेलर डिकोड देख लिया है तो हमें फीडबैक कर जरूर बताएं कि आपको भी ऐसा लगता है कि ये फिल्म फ्लॉप होने वाली है, और अगर आपको लगता है कि ये सुपर डुपर हिट होने वाली है तो कॉमेंट कर अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट।